तो गाइस एक बार फिर से डोक्स आर्क। और भाई अभी तक मैंने कोई तरक्की नहीं किया, सिर्फ एक तरक्की के अलावा कि मैंने भाई एक टावर ढूंढा है जिसका मैं दिखा देता हूँ लोकेशन क्या है। ये देखो यहाँ पर लोकेशन है और इसको मैं घर बनाने वाला हूँ क्योंकि भाई ये टूट नहीं सकता। और दूसरी चीज़ ये ऊँचाई पर है, देखो है तो वैसे कोने पर, यहीं पर ही है कोने पर ये ऊँचाई पर है, सबसे अच्छी बात यह है। दूसरी भाई इसको कोई तोड़ नहीं सकता, पिछली बार मेरा वो बेस बहुत बुरे तरीके से तोड़ा था। और ये खजाना है क्या? अच्छा खजाना नहीं है, मुझे लगा खजाना है। तो भाई देखो इसमें दिखाता हूँ मैं क्या क्या चीज़ें। एक जीना यहाँ पर है, एक जीना उधर है, और इधर क्या है? वो नीचे जाने का और भी रास्ता है, ये तो मैंने देखा ही नहीं था भाई। एक गुफा है भाई हमारे पास, पर्सनल गुफा। ओ भाई ये तो जगह तो खतरनाक है सच में, हमारे पास खुद की पर्सनल गुफा है इसमें। ये तो तगड़ी जगह है भाई, सच में तगड़ी जगह है। तो यहाँ जाने के दो रास्ते मुझे दिखे थे, एक तो देखो इधर था, देख लेता यार दोनों सेम ही है क्या। एक इधर था, रुक जाए तो बिल्कुल ऊपर ही जाया जा रहा है भाई, टॉप पे ले जा रहा है। दूसरा देख लेते, दूसरा क्या है? अच्छा दूसरा बेस की तरफ ले जाता, वो ये अंदर ही अंदर है भाई। ये देखो सामान भी रखा हुआ है जो कि किसी काम का तो है नहीं, पर हाँ सामान है। बाकी जाल वाल लगे हुए हैं, वो इधर का रास्ता बंद है तो हमें पूरा ही गोल घूम के जाना पड़ेगा। अच्छा भाई तो ये वाला रास्ता है इसका जो ऊपर तक ले जाता है, और काफ़ी ज़्यादा लंबा है रास्ता ये, देखो बिल्कुल टॉप पे ले के जाएगा। और यहाँ पर भी कुछ बेस मिलेंगे अभी जिसमें मैं अपने घर वर बना सकता हूँ। कांगे अरे दिख भाई, अरे तो चढ़ भाई, मैं सोचा। हाँ देखो ये रहा एक रूम, और शायद से रात हो रही है। वाह भाई रात हो रही है तो इसमें और भी रास्ते हैं भाई ऊपर चढ़ने के। ये रहा एक और रास्ता जहाँ पर मैंने एक टेलीपोर्टर लगा रखा, ओसम टेलीपोर्टर, ये देखो ये रहा। तो मैं सोच रहा हूँ इसको ना अंदर लगा लेते, अगर ये पिकअप हो जाए, पिकअप हो जाएगा। चलो इसको ना नीचे लगाते हैं, लेकिन ये भी नहीं पता मुझे कि इसके अंदर लगा दूंगा तो वो काम करेगा कि भी नहीं, क्योंकि कई बार काम करते नहीं है। तो ये वाला जो खाली रूम है ना यहाँ पे, लेकिन रहूँगा तो मैं नीचे ही ना, ये यहीं रह लूँ क्या? ये वाली जगह देखो कितनी साफ़ सुथरी खिड़कियाँ लगी हुई है, तो यहाँ रह लेते हैं ठीक है। इसको बनाएंगे भाई अपना घर, ठीक है। अब पता है क्या करना है, बस सामान सामान लाना है अपना फटाफट से। तो हमारा एक और होएगा, ये रहा ओसम टेलीपोर्टर, ये मेरे को लेके जाएगा मेरे पुराने घर पे। बस कोई खतरा वतरा ना हो यहाँ पर, मैंने इसलिए दूर लगा रखा अपने घर से। घर का मेरा बोरा भाई, वो पता नहीं कहाँ भाग गया, जहाँ भी भागा सही है। ये वाले ना थोड़े स्टोरेज बना लेता हूँ मैं, ताकि भाई सामान ले जाने में आसानी हो जाए। तो ये मैं तो प्लेस कर सकता हूँ भाई डायरेक्ट, ये तो सच में बढ़िया जगह यार। और ऊपर से कोई भी नहीं मारेगा, तो इनको यहाँ पे लगाऊंगा क्योंकि यहाँ पर सीढ़ियाँ लगी हुई है। और सीढ़ियाँ लगने का एक फ़ायदा कि कोई भी अगर दूर से अटैक करता है तो मेरे इनको नहीं तोड़ेगा कुछ कोई भी। चलो भाई ज़्यादातर तो सामान मैं ले कर आ गया हूँ, अब फटाफट से सामान बनाते हैं। सबसे पहले तो मेरे को चाहिए एक, अरे स्मिथी नाम है बस इसका, ठीक है स्मिथी टेबल चाहिए। अब सारी चीज़ें फटाफट फटाफट से बनाएंगे। ये भी बिन चाहिए होगा ताकि मैं भाई अपना काम धाम कर सकूं वापस। चलो भाई इसको सेट करते हैं कहीं, इसको यहाँ कोने पे सेट कर देते, नहीं यहाँ की जगह खुली रखते हैं, यहाँ कर देते हैं ठीक है। बाकी हमारी जो स्मिथी टेबल वगैरह होगी वो जाएगी इस तरफ, यहाँ पर मैं अपनी स्मिथी। ये तो गड़बड़ है भाई, ये तो लग ही नहीं पा रही है, इसका मतलब यहाँ पर फाउंडेशन वगैरह लगाने पड़ेंगे। ओहो पूरे तरीके से घर नहीं बना सकता भाई से मैं। चलो प्लेस तो कर पा रहा हूँ मैं, तो मुझे यहीं पे ही ना कुछ बिल्ड करना पड़ेगा छोटा सा, तो इस तरीके से बिल्ड करना पड़ेगा तब जाके काम हो जाएगा ठीक है। नीचे मैं जीना लगा दूंगा, मतलब सीढ़ियाँ लगा दूँगा इस पर ऐसे चढ़ने के लिए, थोड़ा सा ऊँचा हो जाएगा पर चलेगा भाई। हमारे बेस में थोड़ा बहुत तो चाहिए, और ऊपर से छत भी बहुत ऊँची है तो इतना कोई दिक्कत नहीं है ठीक है। और भी सामान ले आऊँ क्या, देखते हैं ले भी पाएंगे कि नहीं। इसमें कुछ है भाई, ये तो बड़ा टाइम ले रहे हैं। अरे यार जाने दो, एक तो इसके अंदर सामान है, ये था कौन, ये शायद से मेरा भैंसा था, हाँ वो था यार, मार दिया भाई इन्होंने, छोड़ा नहीं कुछ भी। अरे इससे तो वेट बढ़ता है, तो ये तो मुझे लेके जाना है, अगर ले पाया तो सारा देखते रख के। अरे नहीं, अरे चोर भाई चुरा के ले गए यार आते ही। और इस क्राफ्टिंग स्टेशन को नीचे रख के देखते हैं, नीचे प्लेस हो जाएगा, हो जाएगा। चलो एक तो चीज़ होएगी, यहाँ पे प्लेस कर देते हैं। और मेरे पास जो अंडे थे ना डोडो के, उनको मैं यहीं पे निकालने वाला हूँ सारे के सारे, जितने भी डोडो के अंडे हैं यार वो बना सकता हूँ मैं एक चीज़, ये वाली चीज़ अगर बन जाए तो। हाँ बन जाएगी, चलो मामूली डोडो है, ये भी मामूली है,
मामली भाई, और तू भी मामली है। अरे मामली है सब मेरे वो मर्गी। हाँ हमारी में ओ है डूडू, एक एपेक्स डूडू बची हुई है शायद से है। अरे है यार, मैं इनको देखना भूल गया था, पर ये मेल क्यों दिखा रहा है? एक एपेक्स डोडो तो है हमारे पास जो कि मेल है, तो एक फीमेल पकड़नी पड़ेगी, और एक अल्फा भी बची हुई है हमारे पास। तो एक फीमेल एपेक्स डोडो पकड़नी पड़ेगी, काम हमारा हो जाएगा। एपेक्स के अंडे आने शुरू हो जाएंगे और फिर मैं कुछ नई चीज़ पकड़ पाऊंगा। ये कुछ कर भी रहेगी नहीं। एक कलेक्टर होएगा बंदा ये वाला, इस बंदे को बनाते मेटल इनगट और सीमेंटिंग पेस्ट चाहिए। ओहो, तो मोर्टार एंड पेस्टल को निकाल लिया जाए भाई, इससे ये तो बन जाएगा ना। अरे स्टोन चाहिए भाई, चलो स्टोन लेके आते हैं। अब मैं ना एक काम भी कर सकता हूँ, जो मेरा उड़ने वाला है ना पक्षी, उसको यूज़ कर सकता हूँ ढंग से। अब यहाँ कोई टेंशन नहीं है भाई, ऊपर चलेंगे और ऊपर से यूज़ कर सकते हैं यहाँ से, और यहीं बिठाए रखो, कोई टेंशन नहीं भाई। ये देखो यहीं बिठाए रखो और नीचे ऊपर कहीं भी जाओ भाई। अरे चल मेरे को ले दे पत्थर, दो दो रहेंगे तो बढ़िया रहेगा, लेकिन इसके लिए भी भाई जगह चाहिए। वाह भाई, सेटअप करते हैं कोई नहीं इसको भी। तो अब शायद से सारा सेटअप हो चुका है। वो यहाँ जर्की बन रही है, अच्छा इससे बन रही होगी जर्की, बनने दो बनने दो भाई। ठीक है भाई, हम मुझे बस इंतज़ार करना पड़ेगा। और तुम हगे जा रहे हो भाई, हगने के अलावा अंडे भी दे लिया करो। तब तक हम एक काम करते हैं, रुको रुको रुको, मेरे को गोलियाँ चाहिए थी, गोलियाँ थी ना मेरे पास, ये ना ये वाली गोलियाँ चाहिए, और मेरे एरो चाहिए होंगे, क्योंकि मैं जा रहा हूँ भाई अभी एक डोडो को टेम करने। बाकी बैरी वैरी वहीं पे मिल जाएगी, ले लेता हूँ फिर भी बैरी। चलो भाई एपेक्स डोडो फीमेल को पकड़ने वाले हम। एपेक्स डोडो दिखा जो कि हो फीम, अरे सर्च करना पड़ेगा, रुक जाओ, जो कि हो फीमेल, रुक जा यार, ये फीमेल दिखा और डिस्टेंस के हिसाब से दिखा भाई, सिर्फ फीमेल सर्च करना पड़ेगा दोबारा से। शायद से यही फीमेल है जो कि 300 लेवल की मेरे घर के पास में ही है भाई। ठीक है इसको पकड़ेंगे, पकड़ना ज़्यादा मुश्किल नहीं है। इसके एक तीर, भाई भीड़ हो रही है नीचे, पहले यहाँ पर खतरे चेक करे जाएंगे कि खतरे क्या क्या है, उसके बाद ही फिर आगे का काम होगा, क्योंकि एक दो गोली इससे काम नहीं चलेगा। और यहाँ पर भी एपेक्स डोडो है, नहीं डोडो है। चल भाई तू अंदर हो ले, क्योंकि तू मर गया तो दिक्कत हो जाएगी। तो मैं ये वाली गोलियाँ यूज़ करूँगा, क्योंकि ये भाई बहुत तगड़ा टोर पोर देगी उसे। कितना है? 520। भाई तेरा तो दिक्कत है भाई, बेहोश होगी एक में ही। वाह ये टोरपोर तो बढ़िया है, ले भाई ठूस। अरे टोरपोर के नाम पे तो बहुत तगड़ी गोली है, देख रहे हो भाई, ये गोली तो सच में बहुत तगड़ी है। बड़ी जल्दी टेम हो गया अरे, तो भाई इसका टोरपोर जा रहा है, मुझे एक और खिलाने दो, कभी उठ ना जाए भाई। उठेगा तो नहीं, पर खिला देनी चाहिए फिर भी, भरोसा नहीं भाई कुछ भी। मेरे को यहाँ का टोरपोर ना ऐसे ही लगता है, अजीब सा एकदम से जाता है। चल भाई एक लास्ट और खा ले, ये ले एक और होगी डोडो, ये देगी एक फर्टिलाइज अंडा जो मेरे काम आएगा। चल भाई तू घूम यहाँ पे आराम से मजे कर, तेरे को पकड़ने का करता हूँ अभी तगड़ी। अरे भाई नीचे जा रही है यार, इतनी मुश्किल से लाया था भाई। ओ पगलेट यार, बिल्कुल नीचे ही चली गई, क्या यार ये गलत हो गया ना भाई, ये चीज़ ये तो गलत होती है भाई, वहीं जाना ज़रूरी है कैसे? हो भाई सच में तो गलत चीज़ है। चलो भाई काम हमारा हो गया, अब इन दोनों को लगा देते हैं भाई लाइन से, क्योंकि तभी फ़ायदा होगा। कुछ फ़ायदा हो रहा है? अरे इनेबल करना पड़ेगा यार, मैंने उस सेटिंग से भी तो कर रखा है ना यार, यार इससे भी तो कर रखा है मैंने। रुक जाओ, ऑप्शन में जाके न्यू बोन में अगर मैं इनेबल कर दूँ इसे मेटिंग ऑन, तो शायद से अब हो जाना चाहिए। हाँ हो रहा है, चलो तो थोड़ी देर में इनके अंडे आ जाएंगे। तब तक एक काम और करना है मुझे, मेरे पास फर्टिलाइज़र होंगे, थोड़े से ही फर्टिलाइज़र है, बाकी वहाँ पर बन रहा होगा, मुझे वापस से जाना पड़ेगा वहीं पे। तब तक ये हो रहा है, होने दो। चलो भाई मुझे ना सामान चाहिए होगा काफ़ी, लेकिन मिल नहीं पा रहा, और ये फर्टिलाइज़र भी कितना स्लो स्लो बना रहा। अरे रुको रुको, पहले बंद कर, अरे रुक, चोर था भाई वहाँ पर, चोर है चोर है चोर है भाई, चोर पर मेरी नज़र अभी चली जाती है, मेरी फर्टिलाइज़र जो भी है तो इसमें तो डाल रखा है, एक इसमें डाल देते हैं, एक एक करके डाल देता हूँ तीनों में, ठीक है काम हो जाएगा। फिर इससे जो सामान आएगा वो होएगा मेरी मेन चीज़। चलो कुछ अंडे वंडे आए भाई, देख लेते हैं। नहीं तुमने भी कुछ ड्रॉप नहीं किए क्या यार? मुझे बनाना यार कलेक्टर, लेकिन कलेक्टर बन नहीं पा रहा है, इसके लिए सामान चाहिए होगा, बस मेटल इनका 131 चाहिए होगी, काम हो जाएगा भाई।
तो गाइस दिन का टाइम है और मेरे काफ़ी सारे काम अभी हो रहे हैं भाई। मैं एक बार कलेक्टर अभी देख लेता हूँ बन जाता है कि नहीं। चलो बन जाता है, बन जाएगा। मतलब ये कलेक्टर होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि यही कलेक्ट कर पाएगा भाई जो भी अंडे पंडे होंगे। और इसको लगाने के लिए, अरे यार यहाँ पे भी तो लगा सकता हूँ ना, यहाँ लगा देते। इसको सारा कुछ यही कलेक्ट करता रहेगा। इसमें डालना पड़ेगा एक सामान, ये चीज़। भाई तू कलेक्ट करता रहियो अंडे, ठीक है। एक्टिव करते हैं और ऑप्शन में जाके पूप वगैरह कुछ नहीं करनी, एग करने हैं, बाकी जितनी भी चीज़ें सब कर दे भाई। ऑर्गेनिक पॉलीमर है, वूल वूल सब कुछ, सब कुछ दे, बस पूप को छोड़ के। बाकी देखो ये जो छोटे छोटे अंडे आ रहे हैं ना भाई, यही कलेक्ट करवाने मेरे को इससे। कलेक्ट कर भाई, टाइम ले रहा है कलेक्ट करने में। और देखो और भी अंडे आ रहे हैं। चलो भाई आते रहो आते रहो, जल्दी जल्दी आओ। तो अब मेरे पास देखो एपेक्स के 2 फर्टिलाइज अंडे आ चुके हैं और मैं वहाँ से सब्जियाँ भी ले आया हूँ। तो मेरे को बनानी है ये चीज़ें, ठीक है। 2 अंडे हैं तो 2 एपेक्स के फर्टिलाइज अंडे। अरे यार है तो सही, यहीं रखे हुए हैं ना ये। ले मैंने 2, अब देखते हैं। हाँ बन जाएगी। तो ये कैंडी बनानी है मुझे एक चीज़ को टेम करने के लिए, और वही चीज़ होगी सबसे बढ़िया। आगे क्या आगे भाई, इस कैंडी की वो भी होती है यार, लाइफ होती है लेकिन बहुत लंबी है। तो अब मैं पकड़ने वाला हूँ भाई एक चीज़। पहले मैं चेक कर लूँ अंडे उठाए कि नहीं, इसने उठाए है। चलो काम चालू है भाई। तो यहाँ पे अगर मैं कुछ भी चीज़ सर्च करूँ, मतलब कि पैची था ना वो, नहीं पिगमी था, PYG, हाँ पिगमी थे भाई। पिगमी मैं सर्च कर सकता हूँ और किसी भी जानवर का मैं पिगमी पकड़ सकता हूँ यहाँ पर। तो सबसे पहले तो भाई मेरे को एक उड़ने वाला पिगमी चाहिए। वो गीगा का भी है, गिगांटो का, गिगांटो जो भी है। तो पहले मैं ना अर्जेंट टेविस का पकड़ूंगा, ठीक है। ये रे भाई अर्जेंट टेविस के पिगमी सबसे पास है हमारा 1000 लेवल का, और इसको टेम करने के लिए काफ़ी सारी वो चाहिए होगी भाई सामान। फिर भी हम चेक करके आते हैं कि इसको कितना सामान चाहिए, ठीक है। ये 1000 लेवल का हमारे घर के पास ही घूम रहा है, ज़्यादा दूर है भाई, पास भी नहीं है वो, तो दूर है यार सच में। तो बाय डिस्टेंस चेक किया था। अरे मेल फीमेल क्यों कर रखा है यार, मेल फीमेल हटाओ भाई। तो ये है हमारे घर के पास सबसे, जो कि है इधर की साइड। चलो चलते हैं, तब तक इनका काम चालू रहेगा। अंडे आ जाएंगे, 20 अंडे आते फिर मैं एक हैचरी बना दूंगा जिससे और ज़्यादा स्पीड में अंडे निकालेंगे। कुछ है यहाँ पर भड़कने वाले लोग, एक नहीं है काफ़ी सारे हैं भाई। वैसे 900 लेवल पे मैं ट्राई करने वाला हूँ, मेरी दोनों ट्रीट बेकार जा सकती है, पर फिर भी कोशिश करने में कुछ नहीं जा रहा भाई। मुझे पता है जाएगी बेकार, पर करेंगे भाई कोशिश। प्लीज़ भाई अर्जेंट टेविस तू ना टेम हो जाइयो, मैं तेरे पास आ रहा हूँ बक्के। बस ये जंगल में है ना, जंगल ही मेरे लिए सबसे बड़ा खतरा है। देखो ये चोर, और वो भड़क गया भाई। ऊपर चल ऊपर चल। ये जंगल में क्या कर रहा है यार, देख रहे हो भाई, ये कंजर है भाई, मैंटिस घूम रहा है यहाँ पर। और ये भी पैसिव टेमिंग है भाई, ऐसे में कौन पैसिव कर लेगा जब ये अटैक करता है। तो पिग्मी हमारा यहाँ पर है, ये छुटकू बैठा हुआ। ये अर्जेंटिविजन नोट टेमेबल बताया हुआ, लेकिन ये टेम होते हैं भाई, पता है इनको टेम करने का तरीका होता है। मेरे पास भड़का क्या, मेरे से डर के भाग गया। तो पिग्मी की एक आदत होती है डर के भाग जाते, और यहाँ पर बैग भी पड़े हुए हैं जिसमें खजाना है, मुझे खजाना लूटना है। मैं लूटता हूँ भाई फटाफट स्पीड। अरे यार भाग 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 यार, यहाँ पर खतरा है, मैं नहीं रुक रहा यार, ये बेकार है। पहले मैं लोकेशन चेक कर लूँ कौन सी लोकेशन है, क्योंकि इस लोकेशन में दोबारा नहीं आना, ठीक है। जंगल है, इस लोकेशन में नहीं आएंगे। तो एक है 400 लेवल का, जो कि लोकेशन इसकी नक्शे में दिख जाती है वैसे ना। वैसे इस लोकेशन पे मैं आया हूँ भाई, पहला पहला पार्ट मेरा शायद इसी लोकेशन पे था, हाँ ये इसी आसपास में ही था। नहीं कोई खतरा तो नहीं है, पर ये फंसी हुई है तो हम इसको पहले निकालेंगे। अरे क्या हो गया भाई, अरे सुला दिया भाई इसने, शायद किसने सुलाया। ले भाई तू भी बेहोश हो, अगर तेरी इन्वेंट्री नहीं खुली तो भाई तू बेकार है। मेरा वो भी दे यार, ये क्या है, कहाँ फंस जाते हैं पत्थर में। इसके पास आया तो सुला दिया इसने मुझे, ऊपर से इन्वेंटरी नहीं खुली भाई। चल आ गया ना तू, इसे मार, इसे मैं जानबूझ के मार रहा हूँ क्योंकि इससे ना वो लूट मिलेगी। चलो भाई लूट मिलेगी, लूट ले ली जाए भाई। लूट वाला बैग नहीं, वो लूट नहीं मिली क्या यार। चल तू स्टेमिना बढ़ा थोड़ा और मूवमेंट स्पीड बढ़ा ले, हमें लूट वाला बैग नहीं मिला यार। हो कोई बात नहीं, चलो अपने पिगमी की तरफ चलते हैं, वैसे रात हो रही है कोई दिक्कत नहीं। तो क्या करना है भाई, ये अपेक्स डोडो है ना, अपेक्स डोडो है, ठीक है, कुछ नहीं कहेगा ये। बाकी वहाँ पर एक खतरा है जो कि भाई 1000 लेवल का है, अपेक्स है डीलो। तो हम चेक कर लेते हैं भाई यहाँ पर कोई खतरा तो नहीं है, क्योंकि ये देखो वो उड़ रहा है ना, वही है। तो इसको देनी है मुझे ट्रीट,
जब ये बैठेगा, और यही सबसे मुश्किल काम है क्योंकि इससे दूर रहना, नहीं तो मेरे को देख लेगा तो भाई ये भाग जाएगा। तो वो नीचे जा रहा है बैठने के लिए, चलो हम भी नीचे चलते हैं। कुछ नहीं करना, उसको ट्रीट देनी है, इन्वेंट्री खोलनी है और ट्रीट दे देनी है। बैठ गया ना वो, बैठ गया। चलो यहाँ से कोई रास्ता है आने जाने का? भाई को तरीके से करना पड़ेगा उसको टेम। वाह, रैप्टर के पास। छी, हमारी तो किस्मत यहीं फूट जाती है जब ऐसी चीज़ें होती है। और देखो किस तरफ जा रहा है, जहाँ पर वो बड़ा वाला पक्षी है जो एक ही झटके में मेरे को मार देगा। यहाँ पर रैप्टर वैप्टर है? कौन सा रैप्टर है? तू अपने जन्म पत्री तो दे। खतरनाक है। देखो ये है वो जो पिग्मी मेरे को पकड़ना है। छोटा रहेगा लेकिन बड़ा होकर ना बहुत खतरनाक बनेगा। ये इवोल्व होते हैं असल में, लेकिन इवोल्व तो तब होंगे ना जब मैं इसको पकड़ूँ। क्योंकि यहाँ पर देखो खतरे, वो कौन सा खतरा है? रैप्टर है मामूली। तो एक है 300 लेवल का, चलो 300 लेवल ही दिखा दो भाई। इस पक्षी ने देखा तो एक ही झटके मार देगा, और मुझे पता भी नहीं है भाई, कोई भी एक झटके भी मार सकता है मेरे को अभी भी। मैं ऐसा उड़ तो रहा हूँ पर पहले की तरह कोई भी मार सकता भाई। चलो कोशिश करेंगे इस वाले को टेम करने की। यार कोई भी टेम नहीं हो रहा। टेम क्या, मैं पास भी नहीं जा पा रहा हूँ अभी तो, शुरुआत भी नहीं हुई है। कोशिश तो दूर, ठीक है मैं आ गया हूँ, लेकिन आते ही यहाँ पर भीड़ क्यों दिख रही है मुझे इतनी? हर जगह मुझे रैप्टर ही रैप्टर दिख रहे हैं यार। वो इजी जगह पे नहीं है क्या? अरे वो पक्षी साइड में है। रुको 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 रुको, नहीं 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 नहीं, अरे नहीं नहीं, मार दिया भाई। भाग 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 ना। ओ भाई देख रहे हो क्या क्या पीछे पड़े? पता किसने अटैक किया था वहाँ पर? एक भालू था बहुत बड़ा। बच गया भाई। ये रैप्टर एपेक्स डीलो पीलो तो मारते ही मेरे को। मेरी हेल्थ देखो कितनी कम हुई है एकदम से। पक्षी नहीं, इधर ही आ रहा है यार। ये काम करते हैं, इस वाली लोकेशन पे ढूंढते हैं। ठीक है, एक 400 लेवल का है, यहीं पे घूम रहा है, पास में ही है, बस वो रहा। अरे फिर से यार इसी जंगल में क्यों लेके जाते हो यार? मेरे को इसमें नहीं जा रहा यार। देखो वो रहा पिग्मी, और यहाँ पर है इतने सारे रैप्टर वैप्टर सब कुछ। अरे वो है भाई पक्षी। एक काम करते हैं, इसको ना धमकाते हैं भाई। ओ पक्षी मेरे को देख, भाग यहाँ से, दूर भाग। केयरफुल पिग्मी नियर बाय। अरे मेरे को पता है भाई, केयरफुल क्या करूँ। अच्छा हाँ, ये मेरे को अटैक भी तो कर सकता है भाई। केयरफुल पिग्मी नियर बाय। ठीक है, ये रैप्टर वैप्टर के बीच में पिग्मी पकड़ना बहुत मुश्किल है। एक भी पिग्मी आ जाए ना, मेरा काम थोड़ा सा ईजी हो जाएगा। फिर मैं उस पर सवारी वगैरह जो भी चाहूँ वो कर सकता हूँ। इस पिग्मी का बैठने का बिल्कुल भी मन नहीं है, और मन नहीं है तो फिर मैं कैसे पकड़ूँ भाई? इसके सामने आते हैं, ठीक है देखा जाएगा जो अटैक करेगा। तो चलो ये अटैक नहीं करना, अटैक नहीं किया ना। चलो वो भाग रहा है पत्थर की तरफ, मैंने उसको भड़काया। कैसे करूं भाई? ओ पिग्मी घूम के क्या ही कर लेगा यार, इसके गोली मार दूंगा मैं ऐसे करेगा तो। टोरपोर नहीं होता वैसे इनका। ओ एक बंदर भी है भाई, एपेक्स है। बंदर भी एपेक्स है, सब कुछ एपेक्स है भाई। यहाँ तो बढ़िया एपेक्स की वो चल रही है। इसका कितनी चाहिए? 13 मेजोबेरी चाहिए। पैसिव टीमिंग है एपेक्स। हाँ पैसिव, ये मार देगा। देखो ये बैठ गया पिग्मी, लेकिन यहाँ पर ये घूम रहे हैं ना भाई, इनका क्या करूँ? तो एक काम कर लेते हैं ना, ये रख लेते हैं हाथ में, हम इसको भी टेम करने की कोशिश करते हैं यार। अब देखो यार क्या करूँ मैं, मरना तो है ही। कर लेते हैं भाई थोड़ा सा। कहाँ है बंदर? बंदर बंदर। हाँ भड़क गया, भड़क गया भाई। नहीं ये क्या गड़बड़ होती है भाई, ऐसे कौन करता है? अरे भड़कते नहीं है ना भाई, प्लीज। हग रहा है भाई। ओहो हो 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 हो, नहीं भाई मैंने तेरे को खाना ही तो खिलाया यार। अरे नहीं भाग के बच गया भाई। खाना खिलाने की इतनी बड़ी सजा है भाई, इसको खाना खिला के ना भागना पड़ेगा। आजा भागो भाई। नहीं मरना नहीं। अरे मैं तो वैसे ही मर गया यार भाई। ये कैसी टीमिंग है? ये तो बड़ी खतरनाक वाली टीमिंग है भाई। अरे रे 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 रे, मेरी हड्डी टूट गई। ये मेरे को मार देगा, मेरे को मार देगा, ये मेरे को मार देगा, मेरे को मार देगा ये भाई। इसको टेम करना ना थोड़ा सा मुश्किल है, इसको बाद में देखेंगे। हम अपने पिग्मी पे ही आ जाते हैं, वैसे ही मरने वाला हो रहा हूँ। हमारा पिग्मी चला गया है, वो रहा बैठ रहा है क्या? बैठ जा भाई प्लीज। अरे मकड़ी भाई, ओहो भाई क्वीन है ये भी। अरे किस्मत तो हो ऐसी, वरना ना हो भाई किसी की भी। ओ भाई आज तो भाई ये मेरे को रुला के छोड़ेंगे। एपेक्स किंग कोंग प्राइम वाइल्ड। वाह भाई ये कहाँ से आ गया? मैंने वहाँ बैड भी नहीं लगा रखा। ठीक है मैं चला जाऊँगा फिर भी।
ये देखो भाई, हमारे कितनी सारी टेमिंग चल रही है जिनमें से कोई सी भी टेमिंग नहीं हो पाई। वाह, ये कौन सी चल रही है भाई? 370, 885 पर अभी रहेगी नहीं। यारे मेरे आते क्या दिक्कत हो जाती है भाई, ये तो कुछ ज़्यादा ही टाइम ले रहा है। हो यार, ये सच में बहुत ज़्यादा मुश्किल है। एपेक्स पेट्रा ढूंढ ढूंढते फिर से बैठेगा। कितना इसका? 2300 का है, तो दो गोलियां लगेगी इसके। ठीक है, ये तो फंसा हुआ। अरे एक और, एक और, एक और, एक और, एक और भाई, प्लीज प्लीज प्लीज। अरे मार यार, ये क्या है भाई? ओ, ये तो बहुत बढ़िया से टेम हो जाता भाई, फंसा हुआ था। ये कंजर जो लगाता है ना टाइम, पानी में चला गया भाई। गुस्सा आ रहा है सच में बहुत ज़्यादा। ये बहुत ज़्यादा मुश्किल है भाई, डॉग्स पानी के बीच में उड़ना होता है यार। वैसे देखी जाए तो हेल्थ इसकी कम है, 600 की हेल्थ है, करेगा क्या पता नहीं भाई। ये भाई ये नहीं मानने वाला, मैं जा रहा हूँ यहाँ से। ना तो वो पिगमी टेम हो रहा है, ना ये आने के लिए तैयार है भाई। पानी में घूम रहे हैं, किसी को भी टेम करने की कोशिश करो, वो टेम होने के लिए तैयार नहीं है। कोई छोटा मोटा पिगमी हो ना, वो भी चलेगा। ये भी चलेगा भाई, ढीलो का हो, ढीलो पीलो सब चलेगा, बस पकड़ में तो आए। इसको अपडेट करने के बाद शायद से कुछ ढंग का काम करे। या मैं अभी भी चेक कर लेता हूँ भाई, इसके अलावा कुछ और भी है कि नहीं आसपास। बाकी एक गिगांटो, जीगांटो, गिगांटो का है, ये भी यहीं घूम रहा है, तो इसे देखते हैं भाई। ये बंदर को, उससे अच्छा तो बंदर हो सकता है यार, अंदर वाले। ये बंदर का लेवल तो मैंने देखा नहीं, 500 लेवल है। ठीक है, पता है क्या करना है, इसके पास जाना है। और एक यहाँ पर एक और बंदर घूम रहा है, रुको इससे देखने तो क्या है। मेगा फेती कस है। अरे भाई क्या दिक्कत है, मैंने क्या कर दिया तेरा भाई? वाह, ये ऐसे आते हैं ना कंजर लोग, बड़े परेशान करते हैं सच में। ये रहा वो रीजड़ा। अच्छा, ये एपेक्स है इसलिए रीज गया था ये। अरे यार बैठता भी नहीं यार, क्या बेशरम आदमी है। रीज रीज, वो कंजर रीज ना। इसके देखो पैरों में घूम रहा, अगर आपको नहीं दिख रहा तो भाई इसको रिझाना पड़ेगा। इसको ना एक हिट देते हैं। अरे भाग 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 भाग, मैंने हिट तो दिया। इसको ना इधर लाते हैं। अरे भाग भाग भाग, वाह खा लिया ना एक। ओ भाई क्या करूँ मैं, कैसे करूँ यार? ये तो सब कंजर है यहाँ पर, हर जगह मेरी पिटाई करने के लिए तैयार है भाई हर कोई। मैं कहाँ से किसी को पकड़ लूँ? ठीक है भाई, वहाँ पर रहे, वो भड़क गया, उसने देख लिया मुझे। जेब में रखो और भाई उसके पास चलते हैं। ठीक है, वो देखो यहीं पे ही है, चुपके से जाना, पहले चेक कर लूँ कहाँ है। वो रहा, ठीक है, वो फंसा हुआ है। अरे आराम से भाई, तो उसको खिलाना कैसे होगा? हाथों से खिलाना होगा। चल भाई, अरे ये पत्थर वत्थर भाई, हमारी किस्मत। चलो बाहर तो आ गया है, देख लेते भाई बाहर मैं कितनी बार मरूँगा। वाह, यहीं पिक मिया। ठीक है, उसकी इन्वेंट्री खोलनी है, और इन्वेंट्री खोल के चलो चलो चलो। अरे इसे एक्सेस करने दे, ये ले ये ले। वो मैंने दे दी उसे, दे दी भाई दे दी। वो टेम हो गया शायद ये। इसमें बोला है पुट फूड टू टेम, भाई मैंने खिला तो दी, ये सारी खा गया क्या कंजर? ओहो मकड़ी भी है यहाँ पर। अरे फेल्ड हो गया यार, छी फेल होते पता, वो अटैक करता है बहुत बुरा। फेल हो गया यार एक, तो दूसरा भी फेल हो गया। ठीक है, अब ऑफलाइन में एक काम करने वाला हूँ भाई, इनके बहुत सारे मैं फीमेल इकट्ठी करने वाला हूँ, जो कि मेरे को अंडे दे भाई, 20-25 अंडे, और 20-25 बनाऊँ तब जाके मैं उसको टेम करूँ भाई। समझ गए ना कैसे टेम करना है? 6 अंडे अभी तक इसने इकट्ठे करे यार। ठीक है भाई, आज मैं कुछ भी नहीं कर पाया, लेकिन हमें एक नया बेस मिल गया जो कि ये वाला है भाई, ये अच्छा बेस है। तो भाई वीडियो यहीं पर ही खत्म करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और आज के लिए बस इतना ही। मिलेंगे गेम के एपिसोड में।